नमस्ते होस्ट रोहित, मैं बैक हूं। आज यहाँ पर हम बात करेंगे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के बारे में। यहाँ पर इसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं बहुत बार। यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक लास्ट टाइम मैंने कहा था कि एक सपोर्ट अच्छा सा बना हुआ है। ये लास्ट टाइम की ही एनालिसिस है जो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा है। ये लास्ट टाइम की ही एनालिसिस है। यहाँ पर क्लियर दिखा था कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट पकड़ेगा एंड जब ये प्रॉपर पकड़ेगा तब ये ऊपर ज़रूर जाएगा वापस हमारे इस लेवल को टेस्ट करने के लिए। 268.40 पे यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया था, उसे टेस्ट करने जरूर जाएगा। उसे सक्सेसफुली पार करता है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 के अराउंड सेकंड रेजिस्टेंस है, उससे यहाँ पर टच करने जाएगा। लास्ट टाइम यहाँ पर फेल हुआ था लेकिन इस टाइम प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे, आई विल गेट डायरेक्टली टू द पॉइंट। यहाँ पर फंड रेज किए जा रहे हैं अराउंड 200 करोड़ रुपीज़ के थ्रू QIP, FCCP, ADRs और GDR से। ओके, ये बोर्ड मीटिंग में इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इन्हें फंड रेज करने हैं बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, सो दे नीड फंड्स टू बी फंक्शन अलॉट एंड ऑल्सो इट इज़ अ स्मॉल कंपनी, सो ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ऑल्सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी फ्रॉम एग्जिस्टेंस ₹31 करोड़ टू ऑलमोस्ट यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है 35 करोड़ रुपीज़ के ऊपर, सो इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। ऑल्सो एनहेंसमेंट ऑफ बोरिंग लिमिट फ्रॉम ₹500 करोड़ to ₹700 करोड़ बढ़ाई जा रही है। ओके, सो इसके पॉजिटिव साइड्स भी है, नेगेटिव साइड्स भी है। कि पॉजिटिव साइड्स ये है कि यहाँ पर ये बढ़ाए जा रहा है तो ऑब्वियसली इन्हें फंड ज़्यादा मिलेंगे एंड अगर ये प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी में ग्रोथ आएगी, यूटिलाइज नहीं करते हैं तो कंपनी में डाउनफॉल आएगा। अब ये सारा उनके यूटिलाइजेशन के ऊपर है कि ये वो उन्हें कैसे यूटिलाइज करते हैं। ओके, सो ये हमेशा ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर, ये हमेशा से एक प्लस पॉइंट भी होते आ रहे हैं, हमेशा से नेगेटिव पॉइंट भी होते आ रहे हैं। सो ये डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, कंपनी के ऊपर। तो ये हमारा डिसीजन होता है कि कंपनी के ऊपर कितना यहाँ पर बिलीव करना है, कितना रखना है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर अगर हम देखें, आई थिंक हमें बिलीव करना चाहिए एंड डेफिनेटली इट माइट टर्न आउट टू बी अ पॉजिटिव वन एंड अगर होता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी तगड़ा होगा। ओके, तो टेक्निकली इट इज लुकिंग स्ट्रांग, फंडामेंटली इट इज लुकिंग स्ट्रांग। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इन अ पोजिशन अराउंड सालासर टेक्नो, देन आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। ओके, आई होप वीडियो सभी को पसंद आ चुका होगा। इट्स अ होस्ट रोहित पटेल।